और लोग इनके परिवार लोग थे, आप देखिएगा सीसीटीवी कैमरा या आंतरिक लापरवाही से इनके भाई की नहीं तो मौत नहीं होती। हम आपको बहुत क्लियर पटना के संपतचक प्रखंड के सोहगी मोड़ के पास 14 दिनों से लापता मुर्गा दुकानदार सन्नी की लाश बेउड बेतारा नाले में मिलने के बाद हुए बवाल और इस बीच मुख्यमंत्री के कारकेट पर हमला मामले में मृतक सन्नी के परिवार वालों को नामजद कराए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए चाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना के एसएसपी से आग्रह किया है कि परिवार वालों को परेशान न किया जाए। पूर्व सांसद ने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से कहा है कि इस हत्याकांड की पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी हो। दरअसल सोमवार की देर रात जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का काफिला संपतचक के सोगी इलाके में पहुंचा, जहां मृतक सन्नी के घर वालों से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। पूर्व सांसद ने परिवार वालों को कहा कि उन्हें पूरा न्याय दिलाने में उनकी पार्टी और उनका पूरा सहयोग मिलेगा। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मौके से सीनियर एसपी पटना को फोन कर कहा कि इस मामले में बवाल में मृतक के परिवार वाले शामिल नहीं थे, इसकी जांच कीजिए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अपनी जांच करे व मृतक के परिवार वालों को प्राथमिकी से नाम हटाए। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों ने उन्हें बताया है कि सड़क जाम और बवाल के बाद वे लोग वहां पहुंचे थे। मृतक के परिजनों ने सांसद पप्पू यादव को बताया है कि एम्स से पोस्टमार्टम कराने के बाद सन्नी का शव लेकर जब संपतचक वे पहुंचे तो उसके पहले ही स्थानीय लोग सड़क जाम कर बवाल कर रहे थे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को देख मृतक सन्नी की मां भाई व अन्य परिजन विरोध करने लगे और पूर्व सांसद श्री यादव से इस मामले में न्याय की गुहार लगाने लगे। मृतक के परिजनों को पूर्व सांसद ढांढस बंधाने के दौरान खुद भावुक हो गए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। मृतक सन्नी के परिवार वालों ने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को बताया कि बवाल करने और सीएम के कार्यक्रम में शामिल गाड़ियों को तोड़फोड़ करने के मामले में उनके परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं रहा है। मृतक सन्नी का शव संपतचक पहुंचने से पहले ही स्थानीय ग्रामीण सड़क जाम किए हुए थे और इस बीच ही सीएम की कारकेट वहां से गुजरी। अशिक्षित होने के चलते लोगों ने सीएम के कारकेट पर पथराव कर दिया। इस मामले में आला पुलिस अधिकारियों से अशिक्षित ग्रामीणों को देखते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई है। मैं जितना बना हम लोग वहां तक खोजते ही रहे, फिर ये कार्रवाई नहीं हुई तो 12 तारीख को हमने लिखित आवेदन एसपी प्रमोद कुमार है उनके पास दिया, फिर उन लोगों के पास कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर तीसरे दिन हम मिले, 14 तारीख को मिले, तो उन्होंने हमको ये कह के फटकार दिया कि माए भुतला जाता अथी पुलिस का दोस्त, बाप भुतला जाता पुलिस का दोस्त, अथी भुतला गया है दोस्तों के जो लोग यहाँ डूब गया होगा, अथी हमको डांट के भगा दिया। उसके बाद हम संतुष्ट नहीं हुए तो फिर अथी मानवजीत सिंह ढिल्लो के यहाँ लिखित आवेदन 16 तारीख को दिया। फिर वहाँ पर जो प्रक्रिया है हमसे बातचीत नहीं हो पाई, 2-3 दिन वेट किए जो होता है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद भी हमारा नहीं करवाया। हम लोग जहाँ भी सुनते थे कि यहाँ सब है चाहे कुछ है, वहाँ हम लोग दौड़ के जाते थे। फिर हम नहीं हो कहीं पुष्टि नहीं हो पाया। उसके बाद हमें डीएम के यहाँ भी गए, डीएम के यहाँ आवेदन दिया तो उन्होंने डीएम ने जाएगा। फिर उसके बाद हुआ कि हम लोग ऐसे ही करते रहे। उसके बाद मेरे पास कुछ चारा नहीं जनता के दरबार का, मुख्यमंत्री जनता के दरबार का हमने ऑनलाइन अथी किया, रजिस्टर भी किया हुआ है। तो उसके बाद हमने 21 तारीख को सुबह न्यूज़ में पढ़ा कि फुलवारी के उसमें एक अज्ञात शव मिला है जिसकी परिजनों का मुलाकात नहीं हुआ है, पुष्टि नहीं हो पाई है। तो हमसे इसी आधार पर हमने ये बेउड से थाने से बात किया, थाना अध्यक्ष से। उन्होंने कहा कि हाँ मिला है, लेकिन उसका परिजन अभी तक नहीं मिल पाया, अज्ञात है, पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर हम लोग उन्होंने कहा फ़ोटो मेरे पास भेजा था, लेकिन फ़ोटो लाश इतना थी हो गया था, हाँ अच्छी सही से पहचान नहीं हो पा रही थी, जीव भी निकला हुआ था, पूरा जलाया हुआ था। उसके बाद नाले में डाला हुआ था बॉडी। फिर हम लोग को बोला गया कि आप एम्स में आइए, आज ही आ गए, हाँ 3-4 दिन पहले सभी ठीक थे। थोड़ी उम्मीद जागी है कि ये लोग हमारी मदद करेंगे।
हमको कहीं सबसे उम्मीद टूट गई है, लेकिन ये आए हैं तो हमको थोड़ी उम्मीद बढ़ी है कि हम लोग को थोड़ा राहत मिलेगा, मदद मिलेगी। अभी तक स्वास्थ्य देने के लिए और कोई मंत्री या विधायक आया है कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई हमारे पास मंत्री विधायक कोई नहीं आया है। क्षेत्रीय विधायक आपका कौन हुआ? रामानंद यादव। कौन सा विधानसभा है? फतमा विधानसभा। थाने के लापरवाही से इनके भाई की नहीं तो मौत नहीं होती, ये हम आपको बहुत क्लियर करते हैं, किसी भी कीमत। ये आप इसको सादे कागज पे लिख लीजिए, घटना जो घटी, जब नाम दे दिया, जब उस पर उस वक्त कार्रवाई होती, उसके मोबाइल लोकेशन का होता, उसके प्रिंट आउट का निकाला जाता, उस पर थाने में ला करके थोड़ा टॉर्चर हल्की होती, तो निश्चित रूप से ये घटना लगता कि नहीं बच सकता था। लगातार घटना, लगातार मौत, लगातार मौत, लगातार मौत, 40 हम तो थक गए अब मौत मौत, हम लगता हम ही एक दिन लाश हो जाएंगे। लापता आपको बता रहा हूँ, लापता होने के बाद भी सर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, फिर इसको छोड़ दिया गया था। यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक नेगलिजेंसी का मामला है, कल हम एसपी से बातचीत करेंगे और जो उसके बाद घटना घटित हुई, आक्रोश होता है। अब जो सीधे साधे लोग हैं, गमार लोग हैं, उनको क्या पता किस कौन सा कारकेट है, क्या कारकेट है, ईटा रोड़ा पत्थर चल गई, उसके बाद एकदम घर ढुक ढुक करके पूरी तरीके से मारपीट करना, महिला थाना लेकर के आकर के महिलाओं को मारपीट करना, पूरा गांव को केस में फंसा देना, 18 आदमी की कह रहे हैं आप, 31 आदमी की बात हो रही है, सब 200 की लगभग पीड़ित के फैमिली पे भी सर बॉन्ड पे छोड़ा गया लोगों को। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि हम बात करेंगे ऊपर में, अभी हम जा रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। मैं चाहूँगा कि जो थाना इसमें निगलेंसी बरते हैं उन पर कार्रवाई हो, और आक्रोश में यदि समाज कोई घटना घटित होती है तो हम तो यहाँ के मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस मामले को बहुत, जो आप उछल कूद करते हैं, तो कम से कम अपने क्षेत्र के जनता के लिए तो जी लीजिए, यहाँ के लिए तो ये तो भगवान है आपका। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, हमने सीनियर एसपी साहब से कहा है, बोला कि नहीं उसके पूरे परिवार पर कोई कार्रवाई हम अब नहीं होने देंगे और आगे हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसमें हम एसपीडी ट्रायल चाहते हैं और जिन लोग जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उस अविलंब उस पर। 5 लोगों में किसी का गिरफ्तारी भी नहीं हुआ सर, इसीलिए तो हमने कहा कि अभी हम कल बात करने दीजिए ना, हमको समय आप देना, हम एसपीडी ट्रायल का मांग करेंगे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है अविलंब उसकी सजा की मांग करेंगे, और हम चाहेंगे कि इस परिवार को मुआवजा दें। पीड़ित के फैमिली को सर फंसाया भी जा रहा, क्या लगता है उसको न्याय मिल पाए? सर एकदम न्याय, पप्पू यादव का मतलब ही न्याय है, अब बेफिक्र हम पप्पू यादव कहने के बाद न्याय का कोई दूसरा गुंजाइश नहीं।